दर्शकों, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गिन्नी सहगल जी से। इनकी उम्र महज 11 वर्ष है और 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने पूरे लखनऊ और देश में धूम मचा रखी है। इनकी जो प्रतिभा है वो इंडियन क्लासिकल है। गिन्नी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गिन्नी जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपने किस उम्र से अपनी प्रतिभा पे काम करना शुरू कर दिया और कैसे आपका रुझान आया? क्या आपका कोई रोल मॉडल था? क्या इन बातों को आप शेयर करिए। मैंने 2.5 साल की उम्र से अपने ये डांस की क्लास स्टार्ट की जी। मेरा रोल मॉडल बचपन से माधुरी दीक्षित थी। अच्छा, मतलब आप माधुरी दीक्षित जी को फॉलो करती हूँ। गिन्नी जी, आपको इंडियन क्लासिकल के लिए जाना जाता है, तो जो अभी देखा जाता है कि आज की जनरेशन है वो वेस्टर्न को ज़्यादा पसंद करती है, तो आपके दिमाग में कहाँ से आया कि नहीं, मुझे इंडियन क्लासिकल पे ही ध्यान देना है? क्योंकि इंडियन कल्चर से बढ़कर कुछ नहीं, और ऐसे सब लोग ही डिस्को और वेस्टर्न सब करते रहते हैं, इसलिए मैंने क्लासिकल चुना। अच्छा जी। और गिन्नी जी, आपका फ्यूचर में मतलब क्या है कि मूवी वगैरह का जो अभी हम लोगों को पता चला है कि आपने शॉर्ट फिल्म वगैरह भी की है, तो मूवी वगैरह में जब आपको डांस वगैरह करना होता तो उसमें इंडियन क्लासिकल ना हो वेस्टर्न हो, तो उस पर कैसे क्या काम करती हैं? मैं कर लेती हूँ। मैंने 4 शॉर्ट मूवीज़ की हैं। एक आखिर माँ हूँ जो कि पायल सिंह आंटी के द्वारा की गई है, और पिचकारी जो प्रतीक जो मैडिस्तान के द्वारा की गई है, एक आज़ादी, और मैंने एक बॉलीवुड मूवी की है बबलू बैचलर, और मैंने 2 एड्स किए हैं, एक IQ मोबाइल ऐड और एक गवर्नमेंट ऐड किया है हेलमेट के ऊपर, लाइक हेलमेट इज़ नेसेसरी। गिन्नी जी, जैसे अभी आपको लास्ट पार्लियामेंट बुलाया गया था, पार्लियामेंट में बुला के आपको सम्मानित करा गया, तो जब आपको इस तरह सम्मान मिलता है तो आपको कैसा फील आता है और क्या आपके मन में चलता है? मुझे बहुत ही खुशी होती है और प्राउड फील होता है, और अब मैंने सोचा कि अब और मेहनत करूँ कि लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, उनके लिए भी करूँ, और अपने पापा लोगों को भी बहुत ही प्राउड फील करवाती हूँ, पापा और मम्मा को। गिन्नी जी, ये बताइए कि आपका फ्यूचर में क्या एम है? आपने कुछ सोचा होगा कि मेरे ये ड्रीम है, इनको कम्प्लीट करना है, तो अपने ड्रीम शेयर करिए हमारे साथ। मेरे 2 एम्स हैं। एक तो मुझे अपने मम्मा को अमिताभ बच्चन सर से मिलाना है, और मेरा दूसरा एम है कि एक तो मैं एक बड़ा सा स्कूल और डांस क्लास खोलूँगी। स्कूल में मैं गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन पढ़ाऊँगी, और डांस क्लास में जो भी इन बच्चों के एम है मैं उन्हें आगे बढ़ा के उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक ले जाऊँगी। गिन्नी जी, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? आपको घूमने वगैरह का कैसा क्या शौक है? कार्टून वगैरह देखना पसंद है, समय मिल पाता है देखने के लिए, इस पर क्या? मुझे कार्टून देखने समय मिल जाता है, और मेरे काफ़ी जैसे घूमने के भी काफ़ी शौक हैं, ज़्यादातर एग्जीबिशंस में जाने के लिए, और मेरी एक जैसे डांसिंग की हॉबी है, और मेरी एक और हॉबी है कि मैं मिनिएचर्स कलेक्ट करती हूँ। पीछे पूरे कलेक्शन लगे मिनिएचर्स के, बहुत छोटे छोटे जितने के जहाँ मुझे मिल सकते हैं मैं वहाँ उतना कलेक्ट करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ना सब कलेक्ट करना। आपको हम दिखा दें कि देखिए, इन्होंने महज 11 वर्ष की उम्र में कितने बड़े बड़े अचीवमेंट करे हैं। देखिए, ये आपका अटल सम्मान समारोह मिला हुआ है इनको, और मतलब जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, मेडल है, ये इन्होंने महज आपका 2.5 वर्ष से शुरुआत कर दी थी, और इस समय इनकी जो वर्तमान आयु है वो 11 वर्ष है, और इसी 11 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी ख्याति पूरे लखनऊ और राष्ट्र में बना रखी है। गिन्नी जी, आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें तो? आज इस अभी प्रेजेंट जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग ज़्यादातर वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं। मेरा मानना ये मेरा मैसेज ये है कि जो बात अभी भी इंडियन कल्चर में है वो अभी भी वेस्टर्न में नहीं है। तो मेरा प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इंडियन कल्चर को, इंडियन क्लासिकल को और आगे बढ़ाएँ। थैंक यू। थैंक यू।